हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एग्री मंत्रा में, चेंजिंग द वे ऑफ थिंकिंग। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे AFO मेंस प्रिपरेशन पार्ट 10 के बारे में। और जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 आ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप सभी रिमेनिंग पार्ट को देख सकते हैं। और आज हम कंटिन्यू करेंगे उस सीरीज का पार्ट 10, जो रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, नाबार्ड बैंकेबल प्रोजेक्ट। तो दोस्तों, आपको पता होगा पिछले वीडियो में भी इससे रिलेटेड हम पहला टॉपिक कवर कर रहे हैं, जो कि एनिमल हस्बेंड्री है। और उसमें हमने जाना था इंडिजिनस पोल्ट्री फार्मिंग के लिए बैंकेबल प्रोजेक्ट कौन कौन से हैं, कितना मार्जिन है, कितने परसेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आउटले के बारे में, और बहुत सारी चीज़ें हमने जानी थी उसके बारे में। और आज हम दोस्तों उसके सेकंड और थर्ड पार्ट को भी जानेंगे, जो कि है डेयरी फार्मिंग और उसके बाद है पिग फार्मिंग। तो दोनों के लिए हम जानेंगे कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मार्जिन क्या है, उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन कितना है। सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये आपका है बैंकेबल प्रोजेक्ट, जो कि हमने कल आपको बताया था। और ये सभी एरिया ऑफ इंटरेस्ट हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। और अभी हमारा चल रहा है एनिमल हस्बेंड्री, और आज ये वीडियो दोस्तों पूरा एनिमल हस्बेंड्री कवर करेगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी या फिर फार्म मैकेनाइजेशन से वीडियो लेके आएंगे, जिसको जो कि बैंकेबल प्रोजेक्ट पर ही होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो कि आपको पता होगा एनिमल हस्बेंड्री पार्ट चल रहा है, और उसमें आज हम कवर करने वाले हैं मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट ऑन डेयरी फार्मिंग। ठीक है दोस्तों, तो आज डेयरी फार्मिंग में जानेंगे कितना मार्जिन परसेंटेज है, उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन कितना पीरियड का यहाँ पर लोन का रखा गया है, कि कितने टाइम में आपको वापस करना है, और उसके बाद जानेंगे कि यहाँ पे आपका इंश्योरेंस होता है कि नहीं होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर लें आउटले की, तो आउटले क्या कहता है। आउटले ऑफ द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन द लोकल कंडीशन, यूनिट साइज एंड द इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट इंक्लूडेड इन द प्रोजेक्ट। अगर हम मार्जिन मनी की बात करेंगे, तो मार्जिन मनी डिपेंड्स ऑन कैटेगरी ऑफ बोरोवर एंड मे रेंजेस फ्रॉम 10 to 25%। ये आपको याद रखना है, 10 से 25% मार्जिन मनी होती है। और मार्जिन मनी होती क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि जो भी टोटल प्रोजेक्ट की कॉस्ट होती है, ठीक है, एक प्रोजेक्ट है उसकी टोटल कॉस्ट है, जिसमें से बैंक लोन कितने परसेंट का दे रहा है, उसके बाद जो बाकी जो मनी बचती है, और वो मनी बोरोवर को या फिर जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है उसको अपने पॉकेट से लगानी पड़ती है, उसी को हम मार्जिन मनी कहते हैं। अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो उसी का परसेंटेज हमारा क्या कहलाता है, मार्जिन मनी परसेंटेज। ठीक है, मैंने आपको एग्जांपल से बताया था, मान लीजिए कोई 10 लाख का प्रोजेक्ट है, जिसमें से 8 लाख बैंक ने लोन दे दिया, तो 2 लाख अगर बचा तो 2 लाख रुपये दोस्तों किसको लगाने पड़ेंगे, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहा है, तो 2 लाख क्या कहलाएगा, मार्जिन मनी कहलाएगा। ठीक है, इतना आपको पता होना चाहिए। आगे बात करेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एज्यूम्ड एट 12% पर एनम। ठीक है दोस्तों, मोस्टली प्रोजेक्ट में जो बैंकेबल प्रोजेक्ट है नाबार्ड के, उसमें 12% पर एनम ही आपका एनुअल इंटरेस्ट रेट है, ये आपको याद रखना है। सिक्योरिटी की बात करेंगे, तो एज पर RBI और नाबार्ड गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिक्योरिटी आपको इश्यू करनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम ये चेंज होती रहती है। जब भी आप प्रोजेक्ट अपना इंस्टॉल कराओगे, आप लेने जाओगे, जब भी आप अप्लाई करोगे, तो आपको उस टाइम की जो RBI की और नाबार्ड की गाइडलाइन होंगी उसके अकॉर्डिंग आपको गुजरना पड़ेगा। ठीक है, रीपेमेंट ऑफ लोन की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। यहाँ पर 5 to 7 years का रीपेमेंट लोन होता है। ठीक है, 5 साल का देंगे या फिर आपको 7 साल का देंगे या फिर 6 साल का देंगे, तो आपको उतने टाइम पीरियड में विद इंटरेस्ट ऐसा आपको लौटाना पड़ेगा। आगे बात करें इंश्योरेंस की, तो यहाँ पे दोस्तों डेयरी फार्मिंग में एनिमल्स का और जो कैपिटल एसेट है उसका इंश्योरेंस हो जाता है इजीली। तो जो भी लोग, जो भी फार्मर्स इस प्रोजेक्ट को लेते हैं, उनके जो भी एनिमल्स वहाँ पर होते हैं उनके इंश्योरेंस भी हो जाते हैं, और वहाँ पर जो कैपिटल एसेट होती है, ठीक है, वहाँ भी अगर आपका कोई नुकसान होता है तो वो भी अगर आप इंश्योरेंस कराओगे तो वहाँ पर वो कवर हो जाएगा और आपको वहाँ पर पैसा मिल जाता है। ठीक है, इतना आपको पता रखना है। ये दोस्तों एक मॉडल प्रोजेक्ट है जिसमें कैपिटल कॉस्ट है, आप देख पा रहे होंगे ये कैपिटल कॉस्ट है, जिसमें कॉस्ट ऑफ एनिमल कितनी है, 5 लाख रुपीज़, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी है, 10,000, कंस्ट्रक्शन ऑफ एनिमल शेड 60,000, कंस्ट्रक्शन ऑफ काल्फ शेड जो कितना है आपका 24,000, और कॉस्ट ऑफ चेफ कटर एंड इक्विपमेंट 60,000। तो टोटल आपका जो कैपिटल कॉस्ट है वो कितनी है, 6,54,000, इतना आपको पता रखना है। और मैंने आपको बताया था
कैपिटल कॉस्ट इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है दोस्तों, ये क्या होती है, फिक्स्ड कॉस्ट होती है और ये केवल वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है या फिर वन टाइम एक्सपेंस होता है जो एक बार कर दिया जाता है, बार बार हमको रेगुलर बेसिस पे वहाँ पर एक्सपेंसेस नहीं करने पड़ते हैं। आगे बात करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों टेक्नो इकोनॉमिक पैरामीटर यहाँ पर देख सकते हो, टाइप ऑफ एनिमल आपके रहेंगे मुर्रा बफेलो, कितने एनिमल्स के लिए, 10 एनिमल के लिए, बैचेस 5 बनेंगे, कॉस्ट ऑफ एनिमल कितनी है आपकी 50,000 पर एनिमल, कॉस्ट ऑफ कल्ड एनिमल 5,000, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000, ऐसे करके आपका यहाँ निकलेगा। और जानने वाली बात है कि इसमें दोस्तों मार्जिन मनी कितनी रखी गई है, ये आपका 20% और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 12%, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों सेकेंड प्रोजेक्ट पे जो कि है मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट ऑन पिग फार्मिंग। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को दोस्तों लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि बैंकेबल प्रोजेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो इजीली वो कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इस वीडियो को पहुँचा दीजिए। जो भी गरीब छात्र हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनके लिए भी ये वीडियो दोस्तों मैं चाहता हूँ अवेलेबल हो जाए फ्री ऑफ कॉस्ट। आपका एक शेयर इस वीडियो को उन बच्चों तक पहुंचा सकता है। दोस्तों अगर हम बात करेंगे मॉडल बैंकेबल प्रोजेक्ट ऑन पिग फार्मिंग की, तो सुअर पालन की बात करते हैं तो यहां पर दोस्तों आउटले की बात करते हैं सबसे पहले। तो आउटले में द प्रोजेक्ट डिपेंड्स ऑन द लोकल कंडीशन, यूनिट साइज एंड द इन्वेस्टमेंट कंपोनेंट इंक्लूडेड द प्रोजेक्ट, प्रिवेलिंग मार्केट प्राइजेस कॉस्ट में बी कंसिडर टू अराइव एट दी आउटले। तो दोस्तों आउटले मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है या फिर बोल सकते हो इनिशियल एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, एक्सपेंस होता है, वही आपका आउटले होता है। तो ये बोला है कि ये डिपेंड करता है आपकी लोकल कंडीशंस पे, यूनिट के साइज पे, इन्वेस्टमेंट ऑफ कंपोनेंट्स पे, और ये भी डिपेंड करता है कि उस टाइम मार्केट के प्राइजेस क्या हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है एक ही टाइम पे दो अलग अलग मार्केट में आपको प्राइस डिफर मिलते हैं, तो वो भी आपका यहाँ पर वेरी करता है। इसलिए आपको ये भी देख के चलना है कि किस मार्केट में आपको जो लोकल सामान है वो आपको कहाँ से आपको सस्ता मिल सकता है, आपको इकोनॉमिक पड़ सकता है, ठीक है, ये आपको देख के चलना है। मार्जिन मनी की बात करेंगे तो 10-25% मार्जिन मनी है, ठीक है, 10-25% तक यहाँ पर जो प्रोजेक्ट लगाता है, जो बोरोअर होता है, उसी को यहाँ पर अपनी मनी लगानी पड़ती है। बाकी बैंक से लोन मिल जाता है, उसकी आपकी मंथली या फिर एनुअली ईएमआई बन जाती है या बोल सकते हो किस्त बन जाती है, जिसको उस फार्मर को सालाना जमा करना होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे इंटरेस्ट रेट की, तो इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया सभी के लिए कितना है 12% पर एनम, ये आपको याद रखना है। सिक्योरिटी एज पर आरबीआई और नाबार्ड की गाइडलाइन। अब यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा चेंज है, इसको देख लीजिए। रीपेमेंट ऑफ लोन की बात करेंगे तो यहाँ पे है द लोन विल बी रीपेड इन सुटेबल हाफ ईयरली, या तो आप हर 6 मंथ बाद उसको जमा करोगे जो लोन है उसकी जो किस्त बनेगी, इंस्टॉलमेंट बनेगी, या फिर उसको एनुअली करोगे, यूजुअली विद इन अ पीरियड ऑफ 6 ईयर विद अ ग्रेस पीरियड ऑफ 1 ईयर, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर हमें कि आपका जो पीरियड है रिपेमेंट पीरियड वो आपका कितना है यहाँ पे 6 साल, लेकिन आपको यहाँ पर प्लस 1 साल का ग्रेस पीरियड और मिलता है, तो आपको टोटल यहाँ पे 7 साल मिलते हैं इस लोन का रिपेमेंट करने के लिए, इस लोन को चुकाने के लिए, ठीक है दोस्तों। ये आपको यहाँ पर पता रखना है कि 6+1, 6 आपके रेगुलर हो गए और यहाँ पर 1 ईयर आपका ग्रेस हो गया, ठीक है, ग्रेस पीरियड मिल गया, तो यहाँ पर टोटल 7 साल आपको मिलेंगे रीपेमेंट के लिए। इंश्योरेंस की बात करेंगे तो पिक शुड बी इंश्योर्ड एनुअली और नो और ऑन लॉन्ग टर्म मास्टर पॉलिसी वेयर एवर इट इज एप्लीकेबल। तो दोस्तों जो पिग होते हैं उन पर भी यहाँ पर इंश्योरेंस हो सकता है एनुअली, ये भी आपको यहाँ पर पता रखना है। जो भी एनिमल्स हैं, ठीक है, उनके भी इंश्योरेंस होते हैं। ये दोस्तों एक मॉडल है, मैंने आपको बताया था एक मॉडल प्रोजेक्ट है जिसमें आप देख पा रहे होगे ये प्रोजेक्ट कॉस्ट है, जिसमें क्या है पर्टिकुलर है आपका पिग स्टाइक। आगे हम बात करेंगे तो देखना ये है कि यहाँ पर दोस्तों जो मार्जिन परसेंट है वो आपका कितना है 25%, मतलब है कि टोटल कॉस्ट आपकी सेकेंड ईयर में ये है और फर्स्ट ईयर में ये है, तो फर्स्ट ईयर का अगर हम बात करेंगे तो 25% मार्जिन मतलब आपको लगाना पड़ेगा, तो टोटल लोन आपको मिलेगा बैंक से इतना 4,06,755। और बात करेंगे अगर हम सेकेंड ईयर की तो आपको लोन देना पड़ेगा, बैंक से लोन मिलेगा 6,37,695। तो आपकी ये जो मनी है ये बोरोअर को या जो प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहता है उसको अपनी पॉकेट से लगाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया पिग फार्मिंग के लिए, ठीक है दोस्तों। तो आज हमने क्या कंप्लीट किया, एनिमल हस्बेंड्री के तीनों प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिए, जो कौन कौन से थे। पहला था आपका जो हमने करा चुके हैं इंडिजिनस पोल्ट्री फार्मिंग पे,
उसके बाद आज दूसरा क्या था, डेयरी फार्मिंग पे, उसके बाद तीसरा कौन सा था, पिक फार्मिंग पे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम फार्म मैकेनाइजेशन या फिर कोई और इंपॉर्टेंट टॉपिक जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। ठीक है दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आई तो लाइक करना, ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुँच सके। और दोस्तों अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप हमारे एग्री मंत्रा के टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे और वहाँ पर आपको सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।